अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे अपने कंप्यूटर पीसी में वाईफाई कैसे चलाते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। एक यूएसबी अडैप्टर के बारे में बात करेंगे और एक पीसीआई अडैप्टर के बारे में बात करेंगे। ये आपके लिए कौन से अच्छे अडैप्टर होंगे, इसके बारे में टोटल यहाँ पे जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहला अडैप्टर जो होगा वो बता देंगे आपको यहाँ पे, जो ये टेपिलिंग के बारे में चार ही अडैप्टर में आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे मैंने ये तो यूज़ किया है जो AC450 है, मैंने इसे यूज़ किया है, नैनो यूएसबी अडैप्टर है ये, जिसकी स्पीड होगी 150 MBPS से लेके 435 MBPS को आपके यहाँ पे मिल जाएगी। तो अच्छी स्पीड है यहाँ पे, इसकी कीमत लगभग मेरे ख्याल से $450 आप जो डॉलर $19 या $20 के आसपास मिलती है, लेकिन हमारे इंडियन करेंसी की हम बात करें तो इसमें 450 के बीच में आपको मिल जाएगा। ये अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है या TP-Link की साइट्स के साथ भी आप यहाँ पे उसे भी परचेस कर सकते हैं। तो ये अच्छा अडेप्टर है, आप अपने PC में या कंप्यूटर में उसे लगा कर आप यहाँ पे उसका जो USB इंटरनेट का जो हाई स्पीड यहाँ पे वाईफाई का स्पीड आपको यहाँ पे मिलेगी और इसका मज़ा आप ले सकते हैं। तो दूसरा जो अडेप्टर यहाँ पे चूज़ किया है मैंने, यह मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, AC600 वायरलेस ड्यूअल बैंड USB अडेप्टर है ये। तो इसमें भी आपको यहाँ पे 433 MBPS प्लस यहाँ पे 150 MBPS वायरलेस स्पीड मिलेगी। इसमें आपको यहाँ पे 11 AC यहाँ पे स्पीड मिलेगी, तो अच्छी बात है। इसकी कीमत लगभग यहाँ पे $650 की यानी $24-25 के आसपास है। इसकी कीमत इंडियन रुपए 600-650 के बीच में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अमेजोन फ्लिपकार्ट या TP-Link की साइट पे भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। और ये जो इसके ज़रिए आप अपनी अच्छी खासी यहाँ पे आपको यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड मिलेगी, वाईफाई की स्पीड मिलेगी तो अच्छी मिलेगी। तो अच्छी बात है अगर आप USB अडैप्टर लेते हैं तो सही बात है, अच्छी बात है। तो हमने अगला अडैप्टर जो चूज़ किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो अडैप्टर आपको होगा इसमें आपको यहाँ पे अडैप्टर जो होगा ये PCI अडैप्टर है, यानी PC में एक बार से फिक्स करने के बाद इसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन USB अडैप्टर को आप यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक भी यहाँ पे ले जा सकते हैं। इसके हाई स्पीड जो होगी 1300 MBPS होगी जो भी आपको यहाँ पे मिलेगी, 1300 MBPS 867 MBPS तक आप मिलेगी, और जो 5 GHz बैंड है उसके ऊपर 400 से लेके आपको यहाँ पे स्पीड मिलेगी। ये जो स्पीड मिलेगी दो बैंड के ऊपर मिलेगी, एक 5 GHz पे मिलेगी और एक 2.5 GHz बैंड पे मिलेगी। 1300 MBPS की स्पीड आपको मैक्सिमम मिल जाएगी, उसे बढ़ा सकते हैं लेकिन 400 MBPS की स्पीड मैक्सिमम यहाँ पे मिल जाएगी। ये दो AC1300 वायरलेस ड्यूअल बैंड PCI एक्सप्रेस कार्ड है, ये जो कार्ड है एक PCI कार्ड है, इसमें आप अपने मोबाइल में इसमें अपने कंप्यूटर में आप उसे फिक्स कर सकते हैं। इसके फिक्स करने के लिए आप अपने मदरबोर्ड के साथ आप उसे लगा सकते हैं। तो अच्छी बात है, अगर आप एक बार ही में आपको यहाँ पे यूज़ करने का है, आपको डेस्कटॉप में या कंप्यूटर में आपको यहाँ पे उसे वायरलेस चाहिए, आपको यहाँ पे वाईफाई चाहिए, तो आप यहाँ पे फिक्स लगा कर उसे चेंज नहीं कर सकते इतनी ही उसकी, लेकिन इसकी स्पीड, इसकी क्वालिटी सब कुछ यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि अगर आपको अलग अलग यहाँ पे स्पीड मिल जाती है, ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो ये सही बात है, अच्छी बात है। अगर आप उसे लेना चाहते तो ले सकते हैं। इसके लगभग 1000-1200 के बीच में इसकी प्राइस होगी, TP-Link का ही है, यहाँ पे $7 इसकी प्राइस रखी गई है। तो अच्छी बात है, अगर आप उसे लेना चाहते हैं तो उसे ले सकते हैं और अपने कंप्यूटर में इस तरह वाईफाई यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो अगला जो मैंने ये जो PCI का जो एक्सप्रेस अडैप्टर चूज़ किया है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये यहाँ पे ये जो TP-Link का ही है, इसकी जिसमें 3 एंटीना होंगे, इसकी स्पीड जो होगी 1900 MBPS इसकी स्पीड होगी मैक्सिमम यहाँ पे 1300 MBPS तक इसकी स्पीड होगी, 600 MBPS आपको मैक्सिमम स्पीड दे देगा। दो बैंड पे 5 GHz और 2.4 GHz पे ये चलता है, दो बैंड है, ड्यूअल बैंड है। इसकी जो मॉडल नंबर है AC1900 वायरलेस ड्यूअल बैंड
PCI एक्सप्रेस कार्ड है। इसकी कीमत यहाँ पे लगभग मेरे ख्याल से यहाँ पे $80 के आसपास हो या $80 के आसपास यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे 3 एंटीने उसमें दिए हैं, जितने एंटीने उतनी ज़्यादा आपको यहाँ पे रेंज मिल जाती है। ऐसा करके आप फिक्स अपना PC में या कंप्यूटर में वो लगा सकते हैं, तो अच्छी बात है। अगर आपको ये भी लेने का है तो ले सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे 4 जो भी अडेप्टर है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी दी है। इनमें से आप अगर आपको कौन सा भी लेने का है तो इस तरह का आप अपने अपने कंप्यूटर में वाईफाई चला सकते हैं। तो ये एक PCI अडेप्टर है और एक USB अडेप्टर है। तो इसके ज़रिए आप अपना जो भी यहाँ पे काम करते हैं तो उसके ज़रिए आप अपना यहाँ पे वायरलेस चला सकते हैं, वाईफाई चला सकते हैं। तो मैं आपको, अगर आपको PC में लेने का है, कंप्यूटर में लेने का है, तो आप PCI कार्ड के साथ जा सकते हैं। अगर आपको 3 एंटीने वाला लेने का है या 2 एंटीने वाला लेने का है, वो जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी आप उसे देखकर आप ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इधर से उधर जाने का है या लैपटॉप में भी यूज़ करने का है और आपके डेस्कटॉप में भी यूज़ करने का है, तो आप यहाँ पे जो USB अडेप्टर रहते हैं उसे उसके साथ जा सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपने PC कंप्यूटर में अच्छी खासे आप यहाँ पे वाईफाई चला सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही मोबाइल के अपडेट में।